Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching NRI's Chemistry. इस शो का पर्पस ये है कि केमिस्ट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम में समझाया जाए और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाए। इस रिस्पेक्ट में आज हम सॉल्व कर रहे हैं आईडी मेंस 2020 का 3 सितंबर का पेपर है और ये शिफ्ट 2 का पेपर है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द क्रिस्टल फील्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूथेनियम एन होल थ्राइस सीएल टू ठीक है एंड आयरन एच टू होल 6+2 रिस्पेक्टिवली। आपको अगर याद आ रहा है तो आयरन के नीचे ही क्या रूथेनियम आता है ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एन जो है वो थायरीन डायमाइन है और सीएल टू की वजह से रूथेनियम पे +2 चार्ज आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो अगर तो आयरन पे भी +2 चार्ज आ रहा है क्योंकि वाटर जो है वो कैसा है न्यूट्रल लिगेंड ठीक है ना। अच्छा अब एक बात और जरा समझना कि EN जो है वो कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर जो है वो कैसा वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि EN में इलेक्ट्रॉन जो होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो CFSe से ज़्यादा होगी। जबकि अगर आप आयरन में देखोगे तो आयरन में WFL है मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा वहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है CFSe से। उस केस में आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ठीक है ना। आपको बताना है T2G4Eg2, T2G6Eg0, फिर T2G6Eg0 एंड T2G4Eg2, फिर इसके बाद अगला थर्ड है T2G4Eg2 एंड T2G4Eg2 और अगला है T2G6Eg0 एंड T2G6Eg0 ठीक। अच्छा अब देखिए रूथेनियम भी होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 में अगर देखेंगे तो 4D6 5H0 5P0 ठीक। अब ये इथाइलिन डायमाइन कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे यानी T2G6 हो जाएगा और Eg0 हो जाएगा। बट यही अगर आयरन पे देखें तो ये कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा इसमें तीसरा यहाँ चौथा यहाँ पांचवा यहाँ छठा फिर ये यानी ये T2G4 और Eg2 आएगा ठीक। तो पहले ये रूथेनियम है और बाद में कौन है बाद में आयरन है तो आयरन का T2G4Eg2 तो T2G4Eg2 और T2G6Eg0 यानी सेकंड ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ इट्स सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर 800, 900, 925, 25,356 and 32,456 kJ/mol। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है उनमें आपको यह देखना है कि सबसे मेजर डिफरेंस किस में है। जिसमें भी मेजर डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी में है उसकी जो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उतनी उसकी वैलेंसी और उतनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। ऑक्सीडेशन नंबर में आप चार्ज लगा के बोलोगे और वैलेंसी में आप चार्ज नहीं लगाओगे जैसे वैलेंसी 3 है और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो IP1, IP2, IP3, IP4 तो IP3 और IP4 में मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। IP3 और IP4 में जो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी है वो IP3 है इसका मतलब कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को दिया जाता है उन वैल्यू में आपको ये देखना है कि आपको हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस कहाँ पर मिलना है। जहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस मिलता है उसी का लोअर जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही ऑक्सीडेशन नंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर ए हाइपोथेटिकल केस लेट द वैल्यू ऑफ एल इज डिफाइंड एज 0, 1, 2, 3 and +1 फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ठीक है ना। आपसे कहा गया है कि किसी भी n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये सब होती है ठीक है ना n+1 तक जाती है। तो पहला कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट इनर्ट गैस इक्वल टू 8। दूसरा बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एल्केली मेटल इज 9। तीसरा कह रहा है कि कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन्स इन 2pz और चौथा कह रहा है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 हैज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। तो चलिए हम इनको सबको चेक करते हैं और देखते हैं। अगर एन की वैल्यू देखिए पहला जो है वो इनर्ट गैस है कौन सा हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। तो इसका मतलब अगर हम एन की वैल्यू 1 मान लें अगर हम एन की वैल्यू 1 मानते हैं तो एल की वैल्यू मेरे पास 0, 1, 2, 3 ये सब हो जाएगी। अगर मेरे पास एल की वैल्यू 0 है तो 1s होगा एल की वैल्यू 1 है तो 1p होगा एल की वैल्यू 2 है तो 1d होगा ठीक।
अब एक बात जरा एक बार समझेंगे आप कि अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, नोबल गैस के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि उसके सारे शेल जो होंगे वो कैसे होंगे, फिल्ड होंगे, और उस केस में उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 18 होंगे, यानी कि 1s2 होगा, 1p6 होगा और 1d10 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 हो जाएंगे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एल्किल मेटल, अब फर्स्ट एल्किल मेटल कौन सा, हीलियम के बाद फर्स्ट एल्किल मेटल ले लेती हूँ, यानी आपको सेकंड पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 1s2 हो गया, 1p6, 1d10, और उसके बाद में 2s1, ठीक है ना, एस पे इलेक्ट्रॉन कितना, 1, ठीक है ना, एल्किल मेटल में s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 2s1 आएगा, ठीक है ना। नोबल गैस का आपको समझ में आया भाई, आप क्या करते हो, एस के बाद डी के बाद पी चलते हो ना, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, फिर 1d10 हो जाएगा, और फिर 1p6 हो जाएगा। पी पे जाके नोबल गैस जो होती है, लास्ट वाला पी जो होता है वो नोबल गैस का होता है। इसीलिए यहाँ पर आप अगर देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको कितना मिलेंगे, 18। अब उसके बाद आप एस वन में जाओगे तो एस वन में कौन सा, 2s1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 19। इसका मतलब होगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि 9 इलेक्ट्रॉन है एल्किल मेटल पे, ठीक है ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन 2 पीरियड, कार्बन में कितने, कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन्स इन 2 पीरियड, ठीक है ना। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरोगे तो 1s2 पे, 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन, और 1p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p में नहीं इलेक्ट्रॉन होगा, बल्कि किसमें होगा, 1p में होगा। तो जब 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1p में होगा, मतलब ये ऑप्शन भी कैसा होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला आपसे कह रहा है कि एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर 13 हैव हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल, चलिए देखते हैं, वैलेंस शेल देखते हैं भाई। ई मैंने कोई एलिमेंट ई लिया, उसका 13 है, तो 1s2 1p6 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, बचे कितने आपके पास, 5। तो इसका मतलब 1d में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 1d में 5 इलेक्ट्रॉन, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे के सारे d ऑर्बिटल कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें, यानी हाफ फिल्ड भरे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है, तो हाफ फिल्ड वैलेंस शेल होने की वजह से फोर्थ ऑप्शन इसमें जो होगा वो कैसा है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल एनिवर्च विल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉस्फोनिक एसिड। देखिए फॉस्फोनिक एसिड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि फॉस्फोनिक एसिड एक्चुअल में कैसा है, फॉस्फोरस एसिड को ही कहते हैं, ठीक है। बट अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या रहा है, यहाँ पर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब आपको दिया क्या है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको बेस की नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1, ठीक है, और बेस का आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये V2। उसके बाद में एसिड की नॉर्मेलिटी आपको दी गई 0.1, और एक एसिड का वॉल्यूम कितना दिया गया 10, तो यहाँ से अगर आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 10 ml आएगा। इंटीरियर का क्वेश्चन है, आंसर जो होगा वो 10.00 हो जाएगा।